एक बड़ी प्यारी कथा आती है भागवत में, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। पुराणों के अंदर कथा आती है, ऐसा लगता है कि जैसे आज सुबह के लिए गुरुदेव ने कही। महर्षि थे पुनर्वसु, उनके शिष्य थे अग्निवेश। महर्षि पुनर्वसु ध्यान में बैठे थे, समाधि में बैठे थे, और एकदम से उनकी आंखें खुल गईं। खुली तो उनकी आंखों में दर्द, पीड़ा, भयावह भाव। अग्निवेश के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, मेरे गुरु की ऐसी स्थिति क्यों है। उनने अपने गुरु से पूछा कि क्या हुआ। बोले, मैं कलयुग के चरम को देख रहा हूँ अग्निवेश, और मैंने देखा कि बड़ा महाविनाश होने वाला है। क्यों? बोले, आधि व्याधि शतग्रस्ता, आधि व्याधि से करोड़ों लोग ग्रस्त हो चुके हैं। निरस्त ज्ञान चक्षुषु, उनके जो ज्ञान के चक्षु हैं वो खत्म हो गए। पशु तुल्यस चरंते ते, पशु की तरह से जीवन को गुजार रहे हैं। देह मात्रैक दृष्टया, मात्र देह को ही अपने जीवन का सुख का आधार बना करके बैठे। आप जब महा दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं तो दुर्गा सप्तशती में कहानी आती है, महिषासुर का वध किया माँ ने, भगवती ने, भवानी ने, माँ गायत्री ने, दुर्गा ने किया, हर कोई जानता है। महिषासुर का वध करने से पहले महिषासुर के असिस्टेंट पहुँचे थे। कौन कौन पहुँचे? चिक्षुर पहुँचे, चामर पहुँचे, बाष्कल पहुँचे, असिलुमा पहुँचे, उद्रक पहुँचे, महाअनु पहुँचे और विडालाक्ष पहुँचे। इनका क्या अर्थ है? चिक्षुर का मतलब है छोटा सोचने वाला, जिसकी सोच छोटी हो गई। चामर का मतलब जो शरीर के सौंदर्य को ही सब कुछ मान के बैठ गया हो, चमड़ी पर मन अटक गया हो। असिलोमा, लोम लोम के अंदर हिंसा आ गई हो। बास्कल, दूसरे को कष्ट देने में आनंद आता हो। उदग्र, मेरा पेट भर जाए बाकी लोग भूखे रहे। महाअनु, जो मिल जाएगा वो खा लेंगे, अच्छा खाएंगे बुरा खाएंगे फर्क नहीं। और विडालाक्ष, जिसकी बिल्ली की तरह से आंखें। बिल्ली क्या करती है? बस आपकी क्षण भर के लिए दृष्टि हटी कि दूध का प्याला लेकर के भागेगी। वैसे ही हो गया। आज के समय में लोगों के इतने बढ़िया बढ़िया संस्कृत वाले नाम नहीं है, पर उद्देश्य तो यही हो गया, आदमी का जीवन ऐसे ही हो गया। तो ये देख करके बड़ा कष्ट हुआ पुनर्वसु को। अनेक चित्र भ्रांता, अनेकों लोग इसी तरह के दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा डेढ़ पेज तक वो बोले, पर जो अंतिम लाइन है वो कितनी काम की है। अग्निवेश ने पूछा कि गुरुदेव, इसका कारण क्या है? क्या है ये सब लोग परेशान हैं, सब जिंदगी आदमी की नष्ट हो रही है, शरीर के कष्ट हैं, मन के कष्ट हैं, क्यों है ये कलयुग चरम पर क्यों पहुंच गया है? तो पुनर्वसु बोले, प्रज्ञापराधम मूलम सर्व रोगाणाम, सारे रोगों के मूल में एक ही अपराध है, प्रज्ञा का अपराध। व्यक्ति की प्रज्ञा भ्रष्ट हो गई, व्यक्ति ये भूल गया है कि मेरे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, क्यों मिला मनुष्य का जीवन। और आज उसी का कारण तो है कि पीड़ा है, पतन है, परेशानी है, प्रवाह में आ गए, फैशन में आ गए। बाहर के सुख को पाने के लिए व्यक्ति भीतर की काली को आभूषण समझ करके बैठ जाता है। बाहर मिल जाए, अंदर से मेरा व्यक्तित्व तो कहीं पर भी चले जाए, मन में शांति नहीं है। हर व्यक्ति के दिल में ये आ गया कि मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, दूसरे का गला घोंट के चाहिए, मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। और इसीलिए क्या है, इंसान बिखरे हुए हैं, इंसानियत जख्मी, परिवार टूटते नजर आते हैं, समाज खत्म हो रहे हैं, मुस्कुराहट है नहीं, मुसीबतों का अंबार लगा हुआ है। आदमी के पास कुछ है नहीं और तब भी आदमी पूरी जिंदगी को स्वाहा करने के लिए तैयार है। ये समस्या जब आती है तो ऐसे में क्या है, दो ही पथ हुए आज तक। एक पथ तो है दंड का और एक पथ है पुरस्कार का। एक पथ पर चलोगे तो आपको सजा मिलेगी, एक पथ पर चलोगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी। एक पथ पाप का है, एक पथ पुण्य का है, एक पथ शुभ का है, एक पथ अशुभ का है। पर इनसे आज तक समाधान हो पाया क्या? न जाने कितने असुर हैं जिनको अकेले भगवान ने आकर के मारा। रावण को तो मारा ही मारा, खरदूषण को मारा ही मारा, सूर्पणखा को तो मारा ही मारा, अकासुर को, बघासुर को, पूतना को, कालियानाग को भगवान कृष्ण ने आकर के मारा। दुर्गा सप्तशती में पढ़े तो मधु कैटभ को मारा, महिषासुर को मारा, बाकियों के नाम मैं गिना चुका हूँ, चंडमुंडू को मारा, शुम्भ शुम्भ को मारा, धूम्रलोचन को मारा, रक्त बीज को मारा। इतने को तो अकेली माँ दुर्गा ने आकर दुर्गा सप्तशती के अंदर मारा। उससे दुष्ट होने बंद हो गए क्या? नहीं, क्योंकि भय अकेला समाधान नहीं। भय के डर से आदमी अपराध करना बंद नहीं करता है, और पुरस्कार की दृष्टि से हर कोई सतपथ पर नहीं जाता है। क्या है समाधान?
समाधान ये है कि आदमी की आस्था को बदलना पड़ेगा।